किसी ने क्या खूब कहा है कि लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि लोग तो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। फिर आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर, ये कहानी शर्मा जी की। शर्मा जी जो ऑफिस में रोज लेट आते हैं, रोजाना देर से आने के कारण बाकी के एम्प्लॉय शर्मा जी से चिढ़ते हैं, क्योंकि शर्मा जी को बॉस कुछ नहीं कहते। लेकिन अब एम्प्लॉयज बॉस से कहने लगते हैं कि शर्मा जी रोज देर से आते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं कहते, हम एक भी दिन अगर देर से आते हैं तो आप हमें बोलते हैं। तो बॉस इस बात पे विचार करने लगते हैं और बॉस जाकर बड़े बॉस से बताते हैं कि शर्मा जी रोज देर से आते हैं, रोज मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसा हो ही जाता है। तो बड़े बॉस कहते हैं कि जाने दो, शर्मा जी बहुत सीनियर हैं और बहुत दिन से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनका व्यवहार भी अच्छा है, अगर वो एक हाथ 2 दिन लेट भी आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे आते हैं उन्हें आने दो। लेकिन इस बॉस ने तो कसम खा ली थी जैसे शर्मा जी को सबक सिखा के ही रहेंगे, और वो इंतजार करने लगे कि अब शर्मा जी को मैं कैसे रस्ते पर लेके आऊं, क्योंकि शर्मा जी जब भी लेट आते और शर्मा जी से पूछा जाता कि आप लेट क्यों हुए तो कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताते कि आज मैं उसकी मदद करने के लिए रुक गया था, आज उस व्यक्ति को अड़चन आ गई थी तो मैं उसके साथ काम करने में लग गया था, इस प्रकार की वो कहानियां बताया करते थे। अब एक दिन बॉस ने निर्धारित किया कि आज तो मैं शर्मा जी को बोल के ही रहूंगा, और उन्होंने प्यून से कहा कि शर्मा जी जैसे ही ऑफिस में आते हैं उन्हें तुरंत मेरे केबिन में भेजा जाए। और शर्मा जी उस दिन भी लेट हो गए थे, लगभग आधा पौन घंटा लेट शर्मा जी ऑफिस में पहुंचे थे। शर्मा जी जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचे, प्यून शर्मा जी के पास गया और शर्मा जी से कहा कि आपको बॉस ने बुलाया है। शर्मा जी दौड़े भागे बॉस के ऑफिस में पहुंचे, बॉस के सामने जाते ही बॉस शर्मा जी पे बिफर पड़े और शर्मा जी को बहुत सारी खरी खोटी सुना दी कि तुम रोज झूठ बोलते हो, जब भी तुमसे पूछा जाता है कि तुम लेट क्यों होते हो तुम कोई ना कोई कहानी जरूर बता देते हो। और शर्मा जी उस दिन भी कुछ तो भी बॉस को बताने ही वाले थे कि मैं ऐसा ऐसा, लेकिन बॉस ने कुछ कहने नहीं दिया और शर्मा जी को कहा कि तुम अभी 3 दिन की एप्लीकेशन लिखो और घर जाओ, अब तुम 3 दिन बाद मतलब सोमवार को ही ऑफिस आना। शर्मा जी केबिन से बाहर निकलते हैं और शर्मा जी उदास हो चुके रहते हैं। शर्मा जी ऑफिस से बाहर निकलकर सोचते हैं कि अब तो पूरा दिन खाली हूं, क्या करूं। वो सोचते हैं कि आज जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और जिस बच्चे को मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था उसको जाकर देख लूं, शायद कहीं उसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई हो, शायद उसके परिवार वाले तो नहीं आए हो। और शर्मा जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और शर्मा जी जब हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर कहता है कि तुमने जिस बच्चे को सुबह एडमिट किया था वो अब ठीक है, अगर तुम समय पर उसे नहीं लाते तो शायद उसके साथ कुछ गलत हो सकता था, उस बच्चे के माता पिता आए हुए हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। और शर्मा जी जब उनके उस बच्चे के माता पिता से मिलने वहां पहुंचते हैं तो देख के शॉक्ड रह जाते हैं और अटकते हुए कहते हैं कि सर ये आपका बेटा था। और सामने शर्मा जी के बॉस हाथ जोड़कर शर्मा जी के सामने खड़े रहते हैं और शर्मा जी से कहते हैं कि शर्मा जी तुम जो कर रहे हो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है और ऐसे ही निरंतर अपने काम को करते रहो, अगर आज तुम मेरे बच्चे को समय पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो शायद मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं होता। दोस्तों छोटी सी कहानी, लेकिन एक कहानी हमें बताने का प्रयास कर रही है कि अच्छे काम करते चलिए। हमारे साथ भी लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं और किसी के साथ कोई घटना होती है तो हम सोचते हैं हमें क्या करना है, हमें इससे क्या लेना देना, लेकिन जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के भगवान भी हमारी मदद करता है। और भगवान की मदद मिले या ना मिले, लेकिन जिस व्यक्ति की हम मदद करते हैं उसके द्वारा दी गई दुआ तो हमें जरूर मिलती है और दुआ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हमें सब मिलकर काम करना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, शर्मा जी की तरह जिस प्रकार शर्मा जी लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, मैं इस चैनल पे इसी प्रकार की कहानियां लाया करता हूं, अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें, अच्छी बातों का जितना प्रसार किया जाए उतना कम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।